अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं और आप ब्लॉग्स लिखने के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप किसी क्लाइंट के लिए ब्लॉग राइटिंग कर लें, जैसे कि बहुत सारी फोरम्स हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर के आप जाके पिच कर सकते हैं, और जो असाइनमेंट्स किसी ने पोस्ट किए हुए उसके लिए आप प्रपोज कर सकते हैं कि ये मैं करना चाहता हूँ। अगर आपको मिल जाए तो जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक आप लिखें, आप पहले से नेगोशिएट करें कि आपको क्या पे किया जाना चाहिए, एंड देन यू गेट पेड फॉर इट। ये बहुत सारे फाइवर के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, अपवर्क के ऊपर हैं, guru.com के ऊपर, और ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अलावा एक और तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से अपने शौक़ का कोई ब्लॉग लिखें और उसको मोनेटाइज करें या उससे पैसे कमाने के तरीके ढूंढें या निकालें। उसके भी कुछ तरीके, लेकिन एक नोट ऑफ वार्निंग ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ही ब्लॉग लिखना शुरू करें उस वक्त ही आप उसको मोनेटाइज कर सकें। इसमें कुछ अरसे आपको उसको चलाना पड़ेगा, अपनी व्यूअरशिप बनानी पड़ेगी और ट्रैफिक होगी, फिर उसके बाद जो है आपके पास उसके थ्रू पैसे कमाने के ऑप्शंस खुल सकते। बट लेट्स सी व्हाट्स आउट देयर। सो बेसिकली ट्रैफिक इज की, यानी कि उस पर लोगों का आना जाना होना चाहिए, व्यूअरशिप होनी चाहिए, लाइक्स हों, व्यूज़ हों, सो देन दैट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा ये रिकमेंडेशन है कि ये हमने कुछ ब्लॉगर्स जो पाकिस्तानी हैं उनसे बात की है और उनने हमें ये एडवाइस किया है कि बना सकते हैं आप किसी और, जैसे वर्डप्रेस के ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और आपका उसका लिंक जो है या उसका एड्रेस जो है वर्डप्रेस के साथ ही आएगा। बनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं लगता। उनका ये कहना है कि आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, या वर्डप्रेस पे जब आप ज़्यादा थोड़े से पैसे दे के आप ख़रीदते हैं तो आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप अपनी मर्ज़ी का उसका नाम रख सकते हैं। तो यू शुड हैव योर ओन वेबसाइट, ताकि वो उससे आपका प्रोफेशनल इमेज ज़्यादा बनता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब लोग गूगल सर्च करते हैं या किसी और सर्च इंजन को सर्च करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से लिंक्स हैं वो सबसे पहले शो अप करते हैं, और आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपका ब्लॉग है, अगर आपने ऑटोमोबाइल्स के बारे में लिखा है और कोई शख्स ऑटोमोबाइल्स को सर्च करे तो आपका ब्लॉग भी कोई शुरू में ही कहीं पर नज़र आ जाए या शुरू के चंद में कहीं पर नज़र आ जाए। उसके लिए आप ये देखें कि ट्रेंडिंग वर्ड्स कौन से हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे ज़्यादा पॉपुलर हुए हुए, और कोशिश करें कि वही वाले वर्ड्स जो है उसमें डालें जो रेलेवेंट हैं ऑब्वियसली आपके टॉपिक से, ताकि वो उसमें सामने नज़र आए। सोशल मीडिया को यूज़ करें बूस्ट करने के लिए अपनी पोस्ट को, ताकि वो ज़्यादा उनका करेंसी हो जाए, वो करंट हो जाएं और पुरानी किसी अंडर द पाइल ना हो जाए। और सब्सक्राइब ऑप्शन दें, जब आप अपना कोई ब्लॉग बनाएं तो उसमें लोगों को, जो लोग आ रहे हैं उसको विजिट कर रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन हो कि वो आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दफ़ा जब आपको ब्लॉग आए तो उनके पास एक नोटिफिकेशन चली जाए। दैट विल आल्सो शो कि आपकी ज़्यादा करेंसी और ज़्यादा ट्रैफिक है आपके पास। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड टूल है, Semrush.com है, और इनके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग वर्ड्स कौन से हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बिल्कुल आपकी फील्ड से बाहर है, इफ़ यू आर अ फूड ब्लॉगर और अगर ट्रेंडिंग वर्ड डीन्यूक्लियराइजेशन है वो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं उस वोकैबुलरी के इर्द गिर्द या उन कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द आप कैसे अपना ब्लॉग कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। होता क्या है, हाउ इट वर्क्स। पेड पोस्ट सच एज प्रोडक्ट रिव्यूज़, इसकी एग्जाम्पल्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ जो है वो जब कोई ब्लॉग पॉपुलर हो जाता है तो फिर कोई प्रोडक्ट बनाने वाले कहते हैं कि आप हमारी इस रेस्टोरेंट का रिव्यू कर दें, आपका फूड ब्लॉग है, आप रेस्टोरेंट का रिव्यू कर दें, एंड वी विल पे यू फॉर इट। सो दैट इज़ वन ऑप्शन। कोलैबोरेट ब्रांड्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि एक है उर्दू मॉम का, उनका बड़ा अच्छा ब्लॉग है विच आई ऑल्सो फॉलो। तो उसमें उन्होंने अपनी ईद के और किसी शादी जो उन्होंने ईद के साथ अटेंड की थी उसके अपने आउटफिट्स बताए थे, और उसमें उन्होंने ब्रांड्स के नाम भी बताए हुए थे कि किस किस के उन्होंने कपड़े लिए। सो दैट दीज वर ऑल पेड पोस्ट, लेकिन वो अपने साथ उसको एडवर्टाइज और एक किस्म की मॉडलिंग भी उसकी कर रही थी। गूगल एडसेंस के थ्रू जो है वो एड्स आपके उसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन उसमें ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी प्लेसमेंट कई दफ़ा हेडर के ऊपर ही आ जाती है या इस तरह, तो उसको आपको स्पेसिफिकेशंस दे के चलना पड़ेगा, ताकि, और ये भी उसी सूरत में गूगल एडसेंस के एड्स आपको मिल सकते हैं जबकि आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक है और वो थोड़ा पॉपुलर हो चुका है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट फर्स्ट। ऑफरिंग पेड सर्विसेज थ्रू द ब्लॉग, ये कोई आप ऑफर कर सकते हैं, और कोई आप अपना प्रोडक्ट, जैसे अगर आप राइटर हैं, आपने किताब भी लिखी है, तो आप अपने ब्लॉग के ऊपर उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये आप इसको ऑर्डर करें और हम आपको भिजवा देंगे। या अगर आप कोई कोचिंग ऑफर कर रहे हैं, जो भी आपकी फील्ड है उससे मुतालिक, वो बता सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोचिंग ही कर रहे हो और उसमें ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट बाइंग पावर्स उनकी हो सकती हैं, तो कुछ लोगों ने ब्लॉग्स के ऊपर ये भी ऑप्शन दी होती है कि पे एज मच एज यू कैन, यानी कि वो नेगोशिएबल है, वो आपसे पूछेंगे अच्छा आप क्या दे सकते हैं, हाउ मच डू यू अर्न, और उसके मुताबिक दैट इज़ अ बेटर, हाउ इज़ दैट अ स्मार्ट ऑप्शन, बिकॉज इफ़ यू सेट अ प्राइस, अ वेरी हाई प्राइस, यू माइट लूज सम ऑफ योर कस्टमर्स, लेकिन अगर आप उनको ये ऑप्शन देंगे तो एटलीस्ट वो आपके दरवाजे पे आके पूछेंगे सही, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन अ हाई रेट एंड पीपल टर्निंग अवे बिफोर इवन आस्किंग यू, एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन होगी और आप उसमें हो सकता है आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाएं बजाय इसके कि आप क्लाइंट्स लूज कर जाएं एक बड़ी प्राइस कोट करके. सो दीज आर सम वेज ऑल्सो. उसके अलावा देर इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, यू गेट अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स थ्रू योर वेबसाइट, जैसा भी मैंने कहा कि उन्होंने कपड़ों की जैसे वो एक किस्म की मार्केटिंग की. सेल प्रोडक्ट्स यूजिंग प्लगइन्स लाइक WooCommerce, तो ये जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप अपने प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं उसके ऊपर. कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं नादिया नजीब, उन्होंने अपनी राइटिंग का, उनका लाइफस्टाइल्स का ब्लॉग है और उन्होंने राइटिंग की कोचिंग और ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं उसकी कोचिंग और कंसल्टिंग के लिए उन्होंने अपनी पेड सर्विस उसके ऊपर एडवर्टाइज़ की हुई है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपने एडवर्टाइज़ की हुई है. यू कैन हैव अ लुक एट इट, इट्स देयर. पिंडू प्रोडक्शंस बहुत पॉपुलर, 1 मिलियन उनके लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं उनके 1 मिलियन, और वो फोकस करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर. इनसे भी हमारी बात हुई, डॉक्टर नासिर इनके जो हैं द जेंटलमैन हु रन्स इट, तो उन्होंने ये बताया है कि हम तो ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं उनको देखते हैं और उसमें से जो है फिर हम उसके ऊपर बेसिकली पॉलिटिक्स के ऊपर उनके ब्लॉग्स हैं सारे, और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम कोई ब्लॉग बनाते हैं और डाल देते हैं, और फिर क्योंकि ट्रैफिक उनकी इतनी ज़्यादा है कि उनको एड्स भी मिल रहे होते हैं और अच्छे मतलब प्रॉपर जैसे TVCs होते हैं उस तरह के एड्स भी उनके फेसबुक पेज के ऊपर आपको नज़र आएंगे. दे हैव अ वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर उनकी ट्रैफिक इतनी नहीं है लेकिन ये फेसबुक पेज है उनका जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग मॉडल कि वो फोकस उन्होंने सिर्फ वही रखा हुआ है कि वट एवर इज़ ट्रेंडिंग दे विल राइट अबाउट दैट. ये उर्दू मॉम जिनका मैं जिक्र कर रही थी, और ये कनाडा में मुक़ीम है एक पाकिस्तानी, और अपने बच्चों को भी उर्दू सिखाना चाहती हैं और दूसरों को भी, तो कुछ उनका जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो उर्दू पढ़ाने से बच्चों के लिए हुआ था, उर्दू की कहानी एट्सेट्रा, बट नाउ शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसमें ये कोई हेल्दी ऑर्गेनिक खाने वाले हैं, कोई कनाडा के खाने के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा है और इसमें पूरा जो है वो उसकी इमेजेस हैं कि कैसे बनाया और बच्चों ने कैसे बनाया और क्या हुआ और उसकी न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, प्राइसेस क्या हैं. सो इट्स फुल एडवर्टिजमेंट टाइप ऑफ अ थिंग. ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी एक मामा सेस, सो ये मदर्स के बहुत से ब्लॉग्स पॉपुलर हुए हैं, तो इन्होंने भी अपने ऑप्शन अपने ब्लॉग के ऊपर दी हुई है कि अगर आप एडवर्टाइज करना चाहें मेरे साथ तो आप कैसे करेंगे. तो यू हैव टू हैव दैट ऑप्शन सो दैट पीपल कैन नो हाउ टू अप्रोच यू अगर वो कोई अपनी मार्केटिंग या प्रोडक्ट आपके पास लेके आना चाह रहे हैं. ये सिटी सेल्स का है, इसके ऊपर पेंटीन की इन्होंने मॉडलिंग की हुई है जो सिटी सेल्स को रन करती हैं खातून, इमेजेस में वो खुद भी हैं और ये पेंटीन भी है. सो दिस इज़ हाउ कोलैबोरेशंस विद ब्रांड्स कैन टेक प्लेस एज वेल. माय ऑसम जर्नी वालों के ये एक स्क्रीनशॉट है, उनके भी ये सारे कोलैबोरेशंस हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, एज यू कैन सी. सो देयर मेनी ऑप्शंस, लेकिन ये कि जस्ट द रियलिटी चेक इज़ कि ये फ्रॉम डे 1 या पहले महीने या 6 महीनों के ऊपर दिस मे नॉट हैपन. दीज आर ऑल पीपल हु हैव बीन रनिंग देयर ब्लॉग्स एक्सपर्टली फॉर एटलीस्ट अ ईयर और 2, तो उसके बाद उसके ये वाले रिटर्न्स उसके बाद हैं. अगर आप उसको एज अ प्रोफाइल अपने ब्लॉग को लें और उससे दूसरे असाइनमेंट्स विन करें तो ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस, और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी भी वो एडवांटेजेस आर वेरी रियल. सो दीज आर सम थिंग्स अबाउट हाउ टू मोनेटाइज योर ब्लॉग.